दोस्तों, जब भी कार खरीदने की बात आती है तो उसमें एसी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। विशेषकर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में एसी ना केवल आरामदायक का साधन है बल्कि आवश्यक भी है। चलिए जानते हैं कि आखिर कारों में लगे एसी कितने टन के होते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, कारों में एसी ना केवल गर्मी से राहत प्रदान करता है बल्कि यात्रा को आरामदायक बनाता है। इसकी उचित क्षमता का चयन करना जरूरी है ताकि ऊर्जा की खपत भी संतुलित रहे। दोस्तों, एसी की क्षमता को मापने के लिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बीटीयू का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक 12,000 बीटीयू को एक टन माना जाता है। इस हिसाब से कारों में लगे एसी की क्षमता और उनकी ऊर्जा का खपत का अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करें कारों में कितने टन के एसी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, कारों में लगाए जाने वाले एसी की क्षमता आमतौर पर 0.8 से 2 टन के बीच होती है। दोस्तों, कारों के एसी का मैकेनिज्म उनकी विशेष डिजाइन के अनुसार होता है जो कि घरेलू एसी से बिल्कुल भिन्न होता है। दोस्तों, छोटी कारों या हैचबैक में आमतौर पर 0.8 से 1 टन का एसी लगा होता है। एसयूवी जैसी बड़ी कारों में 1 टन से 1.5 टन के बीच का एसी लगा होता है। दोस्तों, टॉप मॉडल की लग्जरी कारों में करीब 2 टन का एसी लगा होता है जो कि अधिक सुखदायक और आरामदायक होती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके पहले तक ये पता था कि कारों में एसी कितने टन का होता है? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।